हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। मैं आ गई हूँ, मेकअप वगैरह कर लेती हूँ थोड़ा सा। क्या होता है जब मॉर्निंग में आप उठते हो, उठने के साथ ही स्नान वगैरह जब हो जाती है ना, तो फिर आप तैयार वगैरह हो जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर तैयार हो लेते हैं सुबह में उठते के साथ ही। मैं झाड़ू वगैरह कर दी थी, क्लीनिंग हो गया था हमारा। और आज है संडे, तो संडे के दिन मैंने सोचा कि सबसे पहले स्नान वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि आज तो लंच में जाने की टेंशन होती नहीं है। बच्चे घर में रहते हैं, हस्बैंड भी घर में रहते हैं और हड़बड़ी होती नहीं है। तो फटाफट से मैंने स्नान वगैरह कर लिया है और यहाँ पे आ गई हूँ अभी तैयार होने के लिए। तैयार हो लूँगी, जो भी डेली मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, सिंदूर बिंदी वगैरह लगाती हूँ, लिपस्टिक, और यहाँ पे अभी सिंपल सा चोटी कर लिया है बाल। यहाँ पे क्लेशर लगा लेती हूँ बाल में और चलती हूँ। पहले पूजा कर लेते हैं। दिया बाती बारने पे मन को बहुत शांति मिलता है। ऐसा लगता है कि हाँ, दिन की शुरुआत हमारी बहुत अच्छी जा रही है। और आज तो आराम से पहले मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, दिया बाती दिखा देती हूँ, जैसे डेली पूजा करती हूँ वैसे ही। और आज भी मुझे फूल नहीं मिला। ऐसा होता है कि हमेशा फूल नहीं मिल पाता है, तो जैसे होता है बस ऐसे ही जल चढ़ा देती हूँ। सूर्य भगवान को जल चढ़ा दूँगी, दिया वगैरह मैंने जला दिया है और बस हमारा पूजा हो जाएगा। ऐसे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलता है इतना ही करने के बाद। और अभी आ गई हूँ बाहर। बाहर आते के साथ ही अभी जल चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे आज साफ सफाई की है हस्बैंड, तो देखने में अच्छा लग रहा है। संडे के दिन यही होता है कि बाहर अच्छे से साफ सफाई हो जाती है ना, तो सुंदर सा लगने लगता है। और फिर प्लांट वगैरह भी न्यू कुछ लेके आए हुए थे तो उसे भी लगा दिए हैं। यहाँ पे पानी वगैरह भी डाल दिए हैं और हस्बैंड चले गए हैं स्नान करने के लिए। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और अभी बाबू को दे देते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ठेकुआ बनाए हुए थे जितिया के दिन ही, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब थोड़ा सा है, 4-5 बचा हुआ है, तो उसे अभी आज खा के ख़त्म कर देंगे और उसके बाद देखते हैं तो कुछ बनाएंगे। यहाँ पे अभी निकाल चुके हैं और ये ठेकुआ ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक एक करके खाओ तो अच्छा लगता है। बट अभी यहाँ पे नाश्ते में हम लोग यही कर लेते हैं और यहाँ पे चाय बना लेते हैं। चाय ऐसे बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। पहले चीनी चाय पीती हूँ और थोड़ा सा पानी को अच्छे से खौला लेती हूँ, उसके बाद दूध डालूँ। चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, ऐसे पीने में बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं ऐसे नहीं बनाती थी, सब कुछ साथ में ही ऐड करके बनाती थी, बट उससे अच्छा लगता है जब आप ऐसे बनाते हो। और यहाँ पे अभी मैं लेके आ गई हूँ हस्बैंड की वर्दी, जिसमें एक बटन टूट गया है तो उसे मुझे लगाना है, क्योंकि फिर मंडे को क्या होगा ना कि जाना होगा, उस टाइम हड़बड़ी हो जाता है। और अभी मुझे याद आ गया है तो सोची हूँ कि सबसे पहले यही कर लेती हूँ। और हमारी नाश्ता भी हो ही चुकी है, यहाँ पे हम लोगों ने चाय भी पी लिया है, तो सबसे पहले बटन लगा देते हैं। सेम बटन मिलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास पुराना वाला जो पैंट है ना, उसमें से निकाल देती हूँ। फिर उसमें से निकाल के मैंने लगा दिया है। पुरानी चीज़ें भी हमारी यूज में आ जाती हैं, कब पता ही नहीं चला। और हाउस वाइफ को ये चीज़ तो ध्यान रखना पड़ता है, बटन वगैरह ख़ास तौर से जब आप ना ख़रीदने जाते हो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये बहुत अर्जेंट का होता है। बटन तो हमारी लग चुकी है। और यहाँ और मैं आ गई हूँ बाहर, हस्बैंड की बूट है वो लेके आ गई हूँ, धूपा में रख देती हूँ। गंदा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो सोचा कि सबसे पहले इसे धूपा में रख देती हूँ। धूपा भी अच्छा खासा आ गया है, कपड़ा वगैरह मैंने डाल दिया है, सब कुछ हो गया है हमारा। और ये धूपा में जब अच्छे से सूख जाएगा ना शाम तक, तो फिर मैं इसे अच्छे से चमका दूंगी। बाहर की भी हमारी काम वगैरह निपट चुकी है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और अभी खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4-5 करके करीबन प्याज लिया है, छोटे छोटे प्याज है मेरे, और यहाँ पे मैंने उसे अच्छे से कटिंग कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। और मैं एक कढ़ाई रख देती हूँ और कढ़ाई में थोड़ा सा मैं सरसों ऑयल ऐड कर रही हूँ, जो कि उसमें मैं डालने वाली हूँ जीरा। कढ़ाई हमारा गर्म हो जाता है ना, तब तेल डालो और जीरा तो फटाफट से हो जाता है। और मैंने जो भी प्याज कटिंग करके रखा था उसे भी साथ में डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। और मैंने करेला पहले ही इसे बॉईल करके रख दिया था, तो करेला का मैं बनाने वाली हूँ भरवा, बहुत टेस्टी लगता है और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं भी खाती हूँ। और यहाँ पे मसाला वगैरह मैंने बेसिक रखा हुआ है, सरसों का मसाला, तो उसे मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और यहाँ पे आमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। आमचूर पाउडर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ करेला में अच्छे से मैंने सारे मसाले को भर दिया है, जो भी इसका बीज निकला है ना वो भी मैंने मसाले में ऐड कर दिया था, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आने लगता है।
यहाँ पे फाइनली हमारी चावल दाल और यहाँ पे करेले का भरवा बन के रेडी हो चुका है। और ये सारी चीज़ें मैं फटाफट से बना ली। चावल दाल का क्या ही वीडियो शूट करूँ, तो फिर मैंने करेला का भरवा भी तैयार कर लिया, चावल दाल और यहाँ पे थोड़ा सा पापड़ बाबू के लिए तैयार कर लिए हैं यहाँ पे, और बाबू को अब खिला भी देते हैं। उसके बाद हम लोग खाएंगे यहाँ पे आराम से बैठ के। बाबू अपना खेलते कूदते खा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों को लग जाता है खाने में, तो आराम से पहले खिला लो ना तो फिर सही रहता है। यहाँ पे मेरा भी खाना पीना हमारा हो चुका है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन वगैरह लेके। जो भी बर्तन था ना वो सोचा कि साथ ही साथ धुल देते हैं। और उसके बाद आज हम लोग को जाना है मूवी देखने के लिए, तो देखती हूँ जब मैं जाती हूँ आप लोग के साथ वीडियो में थोड़ा बहुत लेके आऊँगी। और यहाँ पे अभी हमारी क्लीनिंग भी हो चुकी है, तो अभी मुझे कुछ बनाना नहीं है, तो सोची कि सबसे पहले क्लीनिंग ही कर लेते हैं। संडे के दिन थोड़ा मस्ती होता है, बाहर वगैरह जाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि हस्बैंड की भी तो डेली ड्यूटी होती है और फिर जो डेली के हाउसवाइफ की जो रूटीन होती है वो बहुत बिजी होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी क्लीनिंग भी हो चुकी है। ज़्यादा गंदा तो हमारा नहीं था, बस ऐसे थोड़ा बहुत जो भी था मैंने क्लीन कर दिया है और बर्तन भी मैंने लगा दिया है अच्छे से। ये जितना सारा बर्तन है ना मैंने मॉर्निंग में भी नहीं लगाया था, और अभी भी मैंने जो भी धोया है ना वो सब कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ों को मुझे धुल के अच्छे से सेट कर दूंगी। और उसके बाद हम तैयार होंगे जाने के लिए, अभी नहीं जाएंगे थोड़ी देर बाद जाएंगे, तैयार वगैरह हो लेंगे और यहाँ पे सब पहले सेट कर लेते हैं। संडे के दिन छुट्टी रहती है तो अच्छा लगता है, आप कहीं जाओ घूम के आओ तो फिर थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे सारे बर्तन मेरी लग चुकी है और अभी सोचा कि झाड़ू भी कर देते हैं, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में पोछा नहीं किया था तो अभी तो मुझे पोछा करना ही था, क्योंकि आज सुबह अच्छा खासा निकला भी है, तो बिना पोछा किए रहो ना तो फिर क्लीनिंग ऐसे लगता है ना कि पूरा नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने झाड़ू भी कर दिया, क्योंकि खाना वगैरह मैंने बनाया था तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है। यहाँ पे झाड़ू भी हमारी थोड़ी बहुत लग चुकी है और उसके ऊपर मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है। यहाँ पे चूहे इतने ज़्यादा है ना कि आप कहीं पे भी जाते हो तो आपका ये स्टील का डब्बा भी खोल लेते हैं, इतने बड़े बड़े से चूहे हैं, तो इसीलिए मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है। अभी तो कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे मैंने पोछा भी आराम से कर दिया है और फैन ऑन कर दिए हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें करते करते ना खाना पीना खाते हम प्यास इतनी तेज़ लग गई थी, होता है ऐसे ही कि आप लगातार खाना पीना खाओ और फिर करो ना तो प्यास लग ही जाता है। मौसम भी आज थोड़ा धूपा जैसा किया हुआ है, तो मैंने पानी वगैरह पिया आराम से, थोड़ा सा रिलैक्स किया, उसके बाद यहाँ पे तैयार हो गए गाइस हैं। तैयार हो गए हैं तो अभी चलते हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं और बाइक से जा रहे हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है, थोड़ी दूर पे ही है बट बाइक से ही जा रहे हैं। और अभी करीबन बज रहा होगा 3:30, 3 बज रहा है अभी, और यहाँ पे सारी दुकान वगैरह इधर जितने भी हैं ना बंद हैं अभी, क्योंकि आज है संडे, संडे के दिन सब कुछ बंद रहता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं हॉल, मूवी हॉल। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि उतना अच्छा मूवी नहीं है, मतलब मुझे ना बिल्कुल भी फाइटिंग मार धार वाला मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा खासा कॉमेडी मूवी रहता है, रोमांटिक, तो वो सब अच्छा लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे मूवी अभी नहीं देख रही हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, सोचे कि कुछ खा लेते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पे स्टैंड पे लगा दिए हैं गाड़ी और यहाँ पे देखें सवेरा में हम लोग आ चुके हैं। और ये बहुत ही सुंदर सा बना हुआ है और क्लीनिंग बहुत अच्छी से रहती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे बाबू मेरा पहले ही चला गया, एंट्री कर चुका है, और मैं हस्बैंड जा रहे हैं। देख सकते हैं कि ये है बहुत ही सुंदर सवेरा का रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है। और यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाया है कभी जो भी कुछ खाने का मन था, पनीर कुछ करके है, और यहाँ पे है बटर नान रोटी ऐसी कुछ था, आइसक्रीम वगैरह फिर हम लोगों ने खाया। और यहाँ पे ना बच्चों को ज़्यादा आइसक्रीम ही पसंद है, मुझे भी खास तौर से, बट हम लोगों ने सोचा कि चलिए मॉर्निंग में हम लोगों ने रोटी नहीं खाया था तो अभी खा लेते हैं। फिर खाना पीना हमारा हो चुका है, हम लोग निकल चुके हैं और आज मूवी भी नहीं देखे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक पार्सल आया हुआ था, सोचे कि इसको ओपन करते हैं, फिर ओपन नहीं किए हैं
और इसे करेंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपना बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय।